हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7, फिगर आपको ऐसे दिए गए हैं और फाइंड एक्स वाई जेड पूछा है। तो एक्स वाई जेड ये जो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल होंगे और ये 90, 30 और ये जो एंगल हमको नहीं पता, ये सब इंटीरियर एंगल होंगे। ट्रायंगल के बाहर साइड को एक्सटीरियर बोला जाता है, ट्रायंगल के अंदर साइड को इंटीरियर, क्वाड्रिलेटरल को अंदर साइड को मतलब जो ऐसे बॉक्स रहेगा ये सब इंटीरियर होंगे और ये पार्ट हमारा एक्सटीरियर है, वो पहले हम जान चुके हैं, इसीलिए ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमको ये जो ट्रायंगल का दो एंगल हमको गिवन है, थर्ड एंगल हमको इजीली मिल जाएगा। किसने मिलेगा? जो एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, लिख देंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल कितना, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस, इसको ना आप ए ले लो, ए एंगल ले लो, ए एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए एंगल हमको कैसे मिलेगा, ये 93, 120 है, 180 मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, अदरवाइज आप 120 प्लस ए एंगल इज इक्वल टू 180 ऐसे लिख के भी कर सकते हो। 180 माइनस 120, ये 120 कहाँ से आया, ये 90 एंड 30 को मिला के आया, मैं डायरेक्टली इसको राइट में लेके 120 बना दिया। ए एंगल कितना आ जाएगा, 120, 60 डिग्री हो गया। तो तीनों इंटीरियर एंगल हमको अभी पता चल गया। तो फर्स्ट हमको फाइंड करना है एक्स एंगल, ठीक है। तो एक्स प्लस नाइन्टी क्यों, क्योंकि एक्स प्लस नाइन्टी इक्वल टू 180 डिग्री जो कि लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है, इसीलिए उसको लीनियर पेयर एंगल बोला जाता है, ठीक है। उसी में से एक्स एंगल हमको पता चल जाएगा जो कि 180 माइनस 90 डिग्री है, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट वाई प्लस, यहां पर हमारा हमारे पास इंटीरियर एंगल ए एंगल है, हम अभी पुट करेंगे, बस लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर है क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो एंगल हमारा है कि नहीं। तो वाई एंगल हमको कैसे पता चलेगा, 180 माइनस ये जो ए एंगल पे, अदरवाइज वाई प्लस ए एंगल के जगह हम ए एंगल हम निकाले हैं, 60 डिग्री डाल देंगे और नेक्स्ट फेज में वाई एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, वाई एंगल आ गया। नेक्स्ट पार्ट जेड एंगल, जेड प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम लीनियर पेयर है तो जेड एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30 जो कि 150, करेक्ट। पर पूछा क्या गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, एक्स हमारा कितना 90 प्लस 120 प्लस 150 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री हमारा फाइनल आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7B, फिगर ऐसे दिए गए हैं जिसमें ये एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसे, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड एंड फोर्थ साइड, ठीक है। पहले हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज किए थे, यहां पर हमको सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करना है, ठीक है। तो और निकालना क्या है, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड डब्ल्यू। तो पहले सम ऑफ एंगल वो डालेंगे, लिख देंगे सम ऑफ
एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री, वो पहले हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपको वो फॉर्मूला यूज करके n माइनस टू इंटू 180 डिग्री फॉर्मूला यूज करके निकालना है, जैसे कि आपको यहाँ 360 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम ऑफ एंगल क्वाड्रिलेटर, तो सम ऑफ एंगल मतलब देखो 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस ये जो एंगल है ना, इसको ए एंगल ले लेते हैं, ए एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ए एंगल हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि वो हमारा क्वाड्रिलेटर का इंटीरियर एंगल है और एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्सटीरियर एंगल है। ओके, तो ये इसको प्लस कर देंगे, टोटल हमारा 260 डिग्री प्लस ए एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए एंगल हमको कितना मिलेगा, 360 माइनस 260 इंप्लाइज ए एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो चारों एंगल हमारा मिल गया। ठीक है, हमें चार एंगल मिल गया, उसके बाद हम एक एक करके एक्सटीरियर एंगल को निकालेंगे, जैसे कि x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री जो कि लीनियर पेयर एंगल है। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। नेक्स्ट पार्ट y प्लस 80, वही आपको चेक करना है y के पास एंगल कौन सा है वो मिला के आपको लिखना है। ठीक है, 180 वो भी लीनियर पेयर एंड y इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 100 डिग्री, करेक्ट। नेक्स्ट जेड एंड डब्ल्यू, जेड प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री वो भी लीनियर पेयर ओके। नेक्स्ट जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा 120 डिग्री इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस ए एंगल, ए एंगल का वैल्यू हम पुट करेंगे, क्यों हमने ए लिखा क्योंकि ए हमने उसको लिया था तो इसलिए आपको समझने में इजी हो सकता इजी हो जाएगा कि जेड सॉरी ए एंगल क्या हम डाले थे। ए का वैल्यू हम क्या लिए थे, 100 निकाले थे 180, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 जो कि 80 डिग्री। फाइनली नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हमको चाहिए जो कि एक्स कितना था, एक्स हमारा निकला था 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री वाई एंड जेड हमारा 120 डिग्री एंड डब्ल्यू 80 डिग्री। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, ये 0, 6, 360 डिग्री जो कि हमारा फाइनल आंसर है, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।